जी सर, जी सर, ठीक है। पार्षद ममता यादव जी और सभी जी ब्लॉक के निवासी और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, आज हम लोग यहाँ मोदी जी के जो एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो उसके निमित्त आज हमारे बीच में सचिन भाई आए हुए हैं और इस पार्क में हम पेड़ लगाएंगे, पीपल, बड़ और नीम, ये पेड़ मंगाए हैं भाई साहब ने स्पेशली, और ये पेड़ हम लगाएंगे। और हमारा प्रयास है कि भाई हम अपने पर्यावरण को हरा भरा रखें, प्रदूषण ना फैले, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हमारे बीच में सचिन भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा वो दो शब्द बोलें। बोले ममता बहन जी, बोले नहीं आप बोले। अच्छा चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे हरीश भाई और ममता बहन जी और हमारे जी ब्लॉक के सम्मानित सारे भाई। देखिए जी, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम ये योजना चली रही है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि देखिए दिल्ली को जो पॉल्यूशन लेवल जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, जनवरी में आपने देखा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कम से कम आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देखे जाए, तो सारी चीज़ें हम बर्बाद ना कर दें, क्योंकि आज उद्योग के नाम पर, गाड़ियों के नाम पर, संसाधन के नाम पर सब ज़्यादा नुकसान जो पर्यावरण को हमने पहुँचाया है। तो उसको थोड़ा सा प्रयास है कि हम पेड़ लगाएंगे तो स्वच्छ हवा मिलेगी, आपके लिए भी होगा, शरीर के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो बस आप सबसे अनुरोध है कि जितने से जितने योगदान कर सके, जितने पेड़ लगा सकते हो, मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में आप भली भांति जानते हो कि एक छोटा पौधा लगाएंगे तो वृक्ष रूप में बढ़ जाएगा, ठीक है ना भाई। बस आप लोगों से उम्मीद करते हैं जी, और ये क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो सांसद है श्री रामवीर सिंह भदौरिया जी, हमारे पिताजी, उन्होंने बोला कि पूरी साउथ दिल्ली में, पूरी जहाँ तक हो सकता है हर पार्क तक हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, स्वच्छ हवा का प्रबंध करना है, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद। पेड़ लगाता है ना, वो हमें खिलाता है, नहीं खाता, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इनका सब बहुत बढ़िया है, सभी इसमें सहयोग कर एक पेड़ माँ के नाम, हमारे जैसे यहाँ से काउंसलर है ममता यादव जी और हरीश यादव जी को जिन्होंने योजना रखी है, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ और कुछ फूल पौधों का भी, अशोक का पेड़, यहाँ लोगों को सदबुद्धि दे, अशोक का पेड़ ये कहा जाता है भाई पेड़, इसलिए फिर कह रही कि अभी दिल्ली को बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत है, हर हर प्लेटफॉर्मों से कहा गया है कि पेड़ दिल्ली में अगर जितने ज़्यादा लग जाएंगे
और इस मौसम में इसलिए कहा जाता है कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में अगर एक छोटा सा पौधा लगाएंगे तो पेड़ के बराबर वो उसमें उतनी क्या पौष्टिकता इस टाइम रहती है कि और पानी की पूरी उसके अंदर वो पेड़ बड़ा होगा और पौधा पेड़ के रूप में बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो जितना हो सके आप पेड़ लगाइए, क्योंकि आने वाली जो हमारे बच्चे उनको हमें भी कुछ दे के जाना है, सब चीज़ बर्बाद कर देना। कितना आप लोगों ने टारगेट ले रखा है, कितने पौधे लगाने का आपका संकल्प है? जितने लग जाए उतने कम है, क्योंकि हम स्वच्छ हवा लेते समय तो नहीं सोचते भी हम कितनी लेंगे, तो इसलिए जितने लगाए जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आब हवा के लिए हो जाए। दिल्ली के पॉल्यूशन के हिसाब से तो जितने भी लगाए उतने कम है दिल्ली के हिसाब से। थैंक यू सर। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आज जो वृक्षारोपण किया गया इसको लेकर? आप उनको हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट दे सकें, क्योंकि आज पोल्यूशन हो चुका है, दिल्ली रहने लायक नहीं है, कम से कम हम इतना करके दिल्ली में रह सकें।